दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंद वॉइस में। मैं हूं इकराम, मेरे साथ हैं संजीव कौशिक जी, जिन्हें आप हर न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे। आज हमारे साथ हैं, हमारे लिए अच्छी बात है, और इनसे हम बात करेंगे कमलेश तिवारी के बारे में। कमलेश तिवारी की परसों हत्या हुई थी यूपी में लखनऊ उनके घर पर। उसके बाद एक बवाल कटा पूरे शहर में, उनके समर्थकों ने जगह जगह दुकान बंद की, और फिर ATS ने गुजरात से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि गुजरात से कुछ लोग आए थे जिन्होंने उनकी हत्या की। अब इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल तो ये कि सरेआम बिना पुलिस के डर के उनके घर में कुछ लोग जाकर उनकी हत्या कर देते हैं। यहाँ पर यूपी सरकार दावा करती है कि अपराधी है तो प्रदेश छोड़ो, नहीं तो दुनिया छोड़ो, वहाँ ऐसी चीज़ हो गई है। तो सबसे पहले मैं इसी पर बात करूँगा। सर कौशिक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। पहला सवाल तो यही है जी कि बदमाशों के अंदर इतना हौसला कैसे आ गया? इतने बड़े पदाधिकारी जो जाने जाते थे अपने बयानबाजी के लिए, उनके लाखों समर्थक हैं, सीधा उनके घर गए कुछ लोग और उनकी हत्या कर दी। अब देखिए, हकीकत तो ये है कि एक इंसान की मौत हुई है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी आप एक इंसान को हिंदू और मुसलमान के खाके में बांटते हैं, राजनीति शुरू हो जाती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कमलेश तिवारी के मामले में देखा, ये 100% स्टेट गवर्नमेंट के फेल्योर होने का एक नतीजा है, या उदाहरण आप इसे कह सकते हैं। पुलिस, हमें समझ में नहीं आता कि पुलिस जितने आनंद फानंद में इस केस को सॉल्व करने के लिए प्रतिबद्ध है या दिखाई देती है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। कई ऐसे सवाल हैं जो लगता है कि सस्ते क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड आप देख रहे हैं, उस तरह से सवाल आपके सामने आते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें वो कहते हैं कि ये आपसी रंजिश का परिणाम है ये हत्या। हाँ। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जब तफ्तीश आगे बढ़ती है तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि नहीं, ये 2015 में एक स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट की के अगेंस्ट में इस तरह से एक प्लानिंग वे में हत्या की जाती है, और उसके पीछे किसी संगठन का हाथ बताया जाता है, खास करके किसी और कौम के लोग होते हैं हत्या के लिए। अब कुछ सवाल उठते हैं जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद में और पहले जो पुलिस के ही बयानात हैं उसी में से कुछ सवाल उठते हैं, देश उसके बारे में जानना चाहती है और पुलिस पे ही सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस ने पहले कहा कि जो भी लोग थे बड़ा इजीली फ्रेंडली उनकी एंट्री होती है उस घर में, तो जाहिर सी बात है कि जब आप मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं, उसमें एक बंदूक भी है, एक उसमें धारदार चाकू भी है, आप जाते हैं वहाँ से, उस घर में से जहाँ उनकी मुलाकात होती है, वहाँ से वो एक उनका ही स्टाफ कहें या फिर जो उनकी सुरक्षा में लगा रहता है उसको बाहर भेजा जाता है, वो तंबाकू वगैरह कुछ लाने जाता है, या फिर उसके लिए दही भल्ले का इंतजाम होता है। जो आदमी से ये सिद्ध होता है कि जो आदमी उस घर में गया, जाहिर सी बात है कि जान पहचान पहले से थी उनकी और एक दूसरे को वो जानते थे, पहली बात। उन्होंने खाया पिया भी, और दूसरी बात कि आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है, चाहे वो छोटा अपराधी हो या बड़ा अपराधी हो, अपराध जिस वेपन से करता है वो सबसे पहले उसको नष्ट करना चाहता है या उसको कहीं फेंकना चाहता है। कैसा वो अपराधी था कि अपने सबूत को वहाँ छोड़ के वो जाता है, एक बंदूक छोड़ के जाता है, जिस धारदार चाकू से वो हत्या करता है वो चाकू लेकर जाता है। और दूसरी बात, दो लाइन और आगे इसमें ऐड कर ले आप उसमें, कि वो मिठाई का डब्बा, सारे अपराधी जानते हैं कि कहा जा रहा है। हाँ, जिसको सबूत कहा जा रहा है, क्या वो अपराधी इतने बड़े यदि किसी संगठन से जुड़े हैं इतने बेवकूफ़ हैं कि वो सारे सबूत वहाँ छोड़ के जाते हैं? जाहिर सी बात है कि ये मूल मुद्दे से भटकाने की एक साजिश भर है। आपका सवाल ये भी उठ रहा है कि 24 घंटे में तो ट्रेन भी इतनी दूर से लखनऊ से सूरत नहीं पहुंच पाएगी। गिरफ्तार किए गए जी, वो फ्लाइट से गए थे, अपराधी अपराध करके फ्लाइट से जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा जब आप गौर से देखेंगे तो कुछ और झोल जो दिखाई देता है उसके बारे में बात कर लें। जब एक अपराध, कमलेश तिवारी की माँ की बात यदि हम कर लें, वो लगातार चीख चीख के सारे टीवी चैनल पे वो चिल्ला रही और कह रही है कि नहीं, मेरे बेटे की हत्या की गई है, एक षड्यंत्र है ये। हाँ। और वो कुछ नेताओं का नाम भी ले रही है। हाँ। वो उसमें स्थानीय विधायक, थोड़ा सा कमलेश तिवारी के बारे में आज के डेट में, चूंकि वो आप काफी चर्चित शख्सियत बन गए हैं, लोग सारे लोग जानना चाहते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है। जब आप देखेंगे तो वो हार्ड लाइनर हिंदुत्व के समर्थक माने जाते रहे हैं। वो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो इलेक्शन लोकसभा का हुआ था उसमें से उन्होंने फैजाबाद से चुनाव लड़ने की घोषणा करी थी, और ये भी कहा था कि यदि मैं जीत के आऊँगा तो जितने जिहादी लोग हैं वहाँ से, यहाँ से मैं उन्हें खदेड़ दूंगा, बाहर कर लूँगा उनका। और साथ साथ ये भी था कि वो
देश के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिनकी सरकार है उनके ऊपर भी वो प्रश्न चिन्ह लगातार खड़े करते चले आए, जिस तरह से उनके सुरक्षा में से गार्ड हटा लिए गए। वो कहते हैं ये कि ये लोग जो भगवाधारी लोग हैं ये हिंदुत्व को बदनाम करने वाले हैं और इन लोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब कि सरकार को भी वो अपने निशाने पर लेते थे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूँ, शायद आपको जानकारी होगी कि इस पिछले चुनाव में जब मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे थे तो मोदी जी के जब इलेक्शन के वक्त जो इलेक्शन के वक्त जो पर्चा भरा जाता है उसमें से उन्होंने खामियां निकाली थी और कहा था उन्होंने कि क्यों नहीं इनका रद्द कर दिया जाए, उसमें कुछ त्रुटि उन्होंने निकाला था। और मोदी जी प्रधानमंत्री जैसे लोगों के ऊपर भी वो उंगली उठाते हैं कि इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए, तो जाहिर सी बात है एक प्रतिद्वंदिता खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उनकी थी ही थी। लोग ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही है, वो कह रही है कि नहीं वो उतने दूर से आदमी आके नहीं, योगी सरकार हत्यारा है, वो खुलेआम कह रही है। का विवाद बता रहे हैं, गुप्ता नाम के शख्स का उन्होंने नाम लिया है, उन लोगों का भी नाम लिया है कि इन लोगों ने ये सारी चीजें की हैं। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं, लोग पुलिस पर्दा डाल रहे हैं दूसरी तरीके से, लोग ये भी जानना चाहते हैं और पुलिस ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे यदि बेटे की मौत हो या हमारे बेटे की हत्या हो जाती है इस तरह से और हमारा कोई एक स्टेटमेंट है, बेटे का स्टेटमेंट है, भतीजे का स्टेटमेंट है, तो आखिर पुलिस उस दिशा में अनुसंधान क्यों नहीं कर रही है, पहले उसे क्यों नहीं पकड़ रही है वो पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है और कहती है कि इस संबंध में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अभी भी हत्यारा फरार है, आज भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी हत्यारा फरार है। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम बजाबता आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वो तो अब बाहर सारे लोग जानते हैं, अब सवाल ये उठता है कि जो हत्या करके फरार हुआ है आखिर उसका स्केच क्यों नहीं बनाया जाता, उसके बारे में लोगों को बताया क्यों नहीं जाता कि आप जगह जगह से फुटेज है उन लोगों के पास उसके बेहाल नहीं बना तो, 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 तो ये बताना। अब उनसे जब ये चीज़ पूछा जा रहा है तो पुलिस गोल मटोल जवाब दे रहे हैं कि नहीं अभी चूंकि अनुसंधान जारी है इसलिए गोपनीयता बरती जा रही है। अरे साहब, गोपनीयता जिससे बरतनी चाहिए उसको तो आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया, 3 लोगों उनके जिनके साथी थे उनका नाम आपने बता दिया, उनके यदि वो दोस्त थे तो वो सतर्क हो जाएंगे। अब तो आपको पब्लिक को बताना है कि पब्लिक कहीं देखे तो इस आदमी के बारे में बताया कि ये आदमी है, तो बहुत सारे इसमें झोल है। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए जैसा कि उनकी माँ डिमांड कर रही है, डिमांड कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक बात समझ में नहीं आ रही है। अभी मैं किसी चैनल पे था तो ये खबर भी आ रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इसके सूत्र जोड़ने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान से जुड़ रहा है। अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान को बीच में ले आते हैं फिर तो मामला ऐसा हो जाता है ना, एक तरफा चला जाता है, आदमी की सोच बनती है पाकिस्तान बीच में आ गया तो फिर सब कुछ तो खत्म है ना, फिर इन्वेस्टिगेशन खत्म है, फिर तो सब कुछ पाकिस्तान। देखिए हिंदुस्तान में एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हिंदुस्तान में इलेक्शन जो है वो मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती, इलेक्शन को कोई भी इलेक्शन हो, इलेक्शन का माहौल चल रहा है अभी भी, मैं उससे जोड़ के नहीं देखता। हरियाणा का इलेक्शन ले लें, वहाँ भी पाकिस्तान से पानी रोकने की बात हरियाणा में लगी तो हालांकि इस हत्या को मैं उस किसी इलेक्शन से जोड़ के नहीं देखता, लेकिन निश्चित तौर पर यदि हिंदू मुसलमान और बाहर सारे लोगों से बात की, प्रोटेस्ट धरने हुए, हमारे दर्शक वो खबर भी देखेंगे, उसमें भी ज़्यादातर लोगों का कहना है कि राजनीतिक हत्या हुई है, योगी सरकार और बीजेपी सरकार पर सीधा सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं उनके समर्थक। यही मैं कह रहा हूँ कि यदि हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान की बात होती है तो आखिर ये कौन सी पार्टियाँ हैं जिसको इससे लाभ मिलने वाली हैं। यदि आप गहराई में सिर्फ ये देख लें, प्रयास करें कि किसको लाभ मिलने वाली है, तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको इसमें। तो जाहिर सी बात है कि कोशिश है कि इसका राजनीतिक फ़ायदा लिया जाए, और जैसा कि हर एक मौत के बाद में राजनीति होती ही होती है, 2 पक्ष होते हैं। सवाल है सर मीडिया पर, जब पिछले हफ्ते आपने भी देखा होगा, आप भी उस डिबेट में या इतनी सारी डिबेट में आप डेली जाते हैं, बंगाल में एक कार्यकर्ता की हत्या हुई, उसे बताया जाता है कि आरएसएस का कार्यकर्ता, बाद में पुलिस ने पर्दाफाश, उस पर लोगों मीडिया ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर करके हिंदू की हत्या हुई बंगाल में, हिंदू की हत्या हुई बंगाल में, क्यों खामोश है सेकुलर गैंग, क्यों खामोश है टुकड़े टुकड़े गैंग, या जो भी वो उन लोगों को जो लिबरल हैं जो उनकी सोच अलग है उनको जो नाम दे रखा है उन सबसे सवाल खड़ा किया, लेकिन यार यूपी में हत्या हो जा रही है अब वो लोग खामोश क्यों हैं। मैंने ही खुद सवाल आज ही सवाल मैंने उठाया है किसी चैनल पर, मैंने ये कहा है कि यदि एक की हत्या होती है और इसमें हिंदू मुसलमान आपको दिखाई देता है तो फिर सोनभद्र में 20 लोगों की जान जाती है उसमें हिंदू मुसलमान क्यों नहीं ढूंढते आप, हत्या तो हत्या है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक 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 माँ के बेटे की हत्या हुई है, एक एक बच्चे के पिता की हत्या हुई है, सारे लोग बिलख रहे हैं और वो यदि किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस को पूरी तत्परता के साथ इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है और पुलिस उस दिशा में भी कार्रवाई करे। आखिर देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि किन परिस्थितियों में आखिर वो कौन सा कड़ी है कि अचानक आप यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे रहते हैं और ये सूत्र लगातार मिनटों मिनट में
आपके जुड़ जाते हैं, आप कनेक्शन ढूंढ लेते हैं कि किसी संगठन से, यहाँ से हजारों मील बैठे दूर किसी संगठन से जुड़ा हुआ ये लिंक आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़, हालांकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि पुलिस के पास सिर्फ ये कहने के लिए है कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए सारी बातों को सामने नहीं रख सकते हैं। तो ठीक है, आप मेरे सामने मत रखिए, लेकिन कम से कम उस माँ के सामने तो रखिए, उसे तो संतुष्ट कीजिए। लगातार वो कल से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, वो लगातार सवालों के घेरे में आपको ला रही है। स्टेट पर भी सवाल खड़े कि आप हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सवाल कर रही है, मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। तो कम से कम पुलिस अपने अनुसंधान का एक हिस्सा बना के उसे तो संतुष्ट करे, और ये भी नहीं कर पा रही है, ये सबसे बड़े दुख की बात है। जी जी। तो संजीव कौशिक जी ने सारे पहलुओं पर बात की, इस केस से जो भी कड़ी जुड़ रही है उन सब पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, और उस माँ को कम से कम थोड़ा कन्विंस करें, उसे समझाएं, उसे भी हिस्सा बनाएं। आम पब्लिक के भले सामने भी चीज़ें ना लाई जाए, लेकिन इस केस को जिस तरह से दूसरी दिशा देने की कोशिश की जा रही है वो सोचने वाली बात है। साथ ही उसके समर्थकों ने सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं भाजपा सरकार और योगी सरकार पर, क्योंकि वो हमेशा योगी सरकार को भी निशाने पर रखते थे। अब इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट के रूप में आप बता सकते हैं, साथ ही खबर को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।